लड़ाई झगड़े वाला सवाल वो है, इसका मैसेज से बड़ा खराब है जब कोई अधिकारी पास है उसे मुजफ्फरनगर है। यहाँ पे आदमी प्यार का मुद्दा है, काम धंधे तो हमें पता ना अधिकारियों के ज्यादा हाथ में है, सब ऊपर ले और उनके अधिकारी ठीक मैसेज दे रहे तो उसका ठीक काम चलता है। लेकिन जब अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर होकर जाता है तो हमारे वाले लोग वो उसका बनारस भी पोस्टिंग हो जाएगा, वहां तक ही जाएंगे, सब जाते हैं जो जो भी यहाँ से गए हैं। बातचीत ठीक हुई, जो कमेटी गई थी उनकी बातचीत ठीक हुई। गंदे वाला भी एक बड़ा मामला था और खास करके और सारी शुगर फैक्ट्री ने मुझे पलंगर का ठीक कर दिया। एक शुगर फैक्ट्री बढ़ती बुढ़ाना उसमें धरना चल रहा, उसमें ये नहीं कहीं के हाथ में कुछ हो, डीसीओ कुछ नहीं कर सकता, डीएम साहब कुछ नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। मुख्यमंत्री जैसे जब बात हुई उन्होंने कहा कि कैसे भुगतान होगा वो रास्ता बता दो। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा जब उनसे कई साल पहले बात हुई कि कैसे भुगतान होगा वो रास्ता बता दो, इनको फैक्ट्री को बंद कर देंगे तो आंदोलन आप करोगे कि गन्ना नहीं जा रहा गन्ना करो। एक आंदोलन हुआ था दिल्ली में, शुगर फैक्ट्री वाले ने बसें लगवाई थी किसानों की, ध्यान से सुन रहे ना, बसें लगवाई थी कि आप दिल्ली में आंदोलन करो शुगर फैक्ट्री के खिलाफ, हमारे खिलाफ सरकार डरेगी बगैर ब्याज के पैसे दे देगी। ये गणित हमारी समझ में पहली बार आया कि शुगर फैक्ट्री बस लगवा रही और आंदोलन करो, उस टाइम पे भारत सरकार ने करीब 6,000 करोड़ रुपया शुगर फैक्ट्री को बगैर ब्याज के दिया था। तो ये इतने उस्ताद हैं फैक्ट्री वाले, ये सरकार को लूटते हैं, ये केंद्र सरकार को लूटते हैं, ये यहाँ के अधिकारी को लूटते हैं, किसानों को लूटते हैं, इनका इलाज भी है क्योंकि फिर किसी भी अगर बीमार है तो उसका इलाज तो ढूंढना पड़े, इनका इलाज भी है। जैसे उत्तम शुगर फैक्ट्री थी इनके, आज डीसीओ साहब आओ, ये भी करते हैं कि डीसीओ साहब ये जी अशोक भाई आप यहाँ बैठ जाओ, ऐसे उत्तम शुगर फैक्ट्री है उसके किसान यहाँ पे होंगे उत्तम होंगे। हमने बहुत रिसर्च करी इसमें, कुछ फैक्ट्रियों का इलाज किसानों के पास में कौन सी उसको टेबलेट दे रही है वो दवाई काम करती है, वो इलाज है हमारे पास। इनके चार टोयोटा की एजेंसी है, ये सब बात सुन लो, काम की है आके जहां को पोस्टिंग आपकी होगी वहां काम होगी, बात सुन लो। इनकी चार एजेंसी, चार इनकी शुगर फैक्ट्री है और चार ही इनकी उत्तम टोयोटा की एजेंसी है, जो ये इनोवा ये गाड़ियां हैं। हमने प्लान लगा चार फैक्ट्री चार एजेंसी इन पर तले लगा दी, वे फैक्ट्री में ढूंढ गए उन पर तले लगाए, वेल्डिंग करा करीब 600 करोड़ रुपया बका था, उस पर कीमत लिख दी, जो विभाग खोल लगा उसको पैसे देने पड़ेंगे, इसी विभाग ने इन खोले 22 दिन तक बंद रहे। फिर हमने कहा कि धनतेरस पर जाते बच्चे काटी, धनतेरस में भी कहने काटी, हमने कहा उनका तो छोड़ दिया, अगले साल अगर भुगतान नहीं देंगे तो धनतेरस से 5 दिन पहले 200 आदमी एक इनकी टोयोटा की एजेंसी पे 800 आदमी बहुत होंगे, कमरा ट्रैक्टर लेकर बोरिया बिस्तर मांग ले, 5 दिन पहले अपना बैन लगा देना, अब टनाटन भुगतान करते हैं उत्तम शुगर मिल वाले, धन देने से पहले सारा भुगतान करते हैं। कुछ फैक्ट्री है मोदी वालों की, मलकपुर नहीं की फैक्ट्री है, मलकपुर आंदोलन नहीं धरना देता, कोई जो भी अधिक कई किसान संगठन का आदमी या कोई नेता धरना दे दो फंस जाओ वहां पर धरना ही देता, हमने बताया उसका भी इलाज है। ये बड़ो क्षेत्र का, उसके लिए 100 ट्रैक्टर चाहिए और 1,000 आदमी जाना पड़ेगा मोदी नगर, उनकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो बंद करनी पड़ेगी, भुगतान आपका होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बागपत से वहां जाना पड़ेगा।
मंजूरपुर शुगर फैक्ट्री पैसे नहीं देती थी। आप यहाँ धरना दे लो, डीएम साहब के यहाँ दे लो, एसएसपी के यहाँ दे लो, देगी नहीं भुगतान। उसकी डिस्टिलरी करनी पड़ती है धामपुर में बंद। तो किसके पेच कहाँ है? बजाज वालों का अगर इलाज करना है तो बजाज वालों के लिए चाहिए 5000 आदमी, एक शुगर फैक्ट्री 1000 आदमी, तो 16000 आदमी चाहिए उसके लिए। और बोरिया बिस्तर अपना बांधकर एक महीने के लिए उनका इलाज है यहाँ से 750 किलोमीटर दूर। ठीक है, ये हम भी इनके साथ में मुरझो रहते हैं अधिकारियों के। लेकिन बहुत सी समस्या लोकल की होती है। पहले डीएम से पावर होती थी पूरी, ये कहीं झगड़ा होने का अंदेशा है करे के तो दूसरा चाहिए, तो एपीसी करके लगा देते थे, इनसे लग गया एपीसी करके लगा दिया। मीरवाड़ा राज्य, डीएम साहब राज्य, सीडीओ राज्य, एसडीओ सबको राज्य अपना लगा दे, लगा दो भाई उसी के नाम से सुल्तान रखता था। आज एक कप चिट्ठी पत्री यहाँ से बना के भेज देते हैं लखनऊ बने करते। लेकिन यहाँ पे किसान दिवस ये जो समस्या है ये इसलिए ज्यादा हो रही है, किसान दिवस बंद हो गए। किसान दिवस जब मायावती की सरकार थी उस टाइम पे किसान दिवस शुरू हुए, ये अखिलेश यादव की सरकार चली उसमें भी चले, जब योगी जी की सरकार पहले क्रम में चले उसमें भी चले, ये अब भी चले। लेकिन पिछले दो तीन महीने से एक बार सागर किसान दिवस ब्लॉकों में उसमें चल रही, जो यहाँ पर उसकी बहुत समस्या समाधान हो, क्योंकि किसान आता ही नहीं था। अधिकारी सरकार के बैठ के सारी मिनट की पहले क्या काम था, क्या हो गया, अगले क्रम को उसका समाधान हो गया। सर कुछ आपके तहसील दिवस है कुछ उसमें नहीं बढ़ेगी। जो आदमी किसान दिवस में आएगा वो तहसील दिवस में जाएगा ही नहीं। और हम इसकी बाबत पूरे देश भर में बताते हैं, और जगह तहसील दिवस शुरू हो रहे कई जगह शुरू हो रहे, भाई हमारे वहां पे ये होता है, हम अधिकारियों से ज्यादा संपर्क रखते हैं, हमारे साथ बातचीत हो जाती है। जैसे लखीमपुर खीरी कांड था तो उसमें नेता थोड़ा आए थे, इतना बड़ा कांड था कि वो हमारे अधिकारी थे, उनको हमारे पे विश्वास था, हम कौन पर था, और 6 घंटे में इतना बड़ा कांड निपटा दिया। यहाँ के लोग और जो किसान है वो सम्मान से दो बोल बोल लोगे तो ये याद करेंगे। इनकी यार टाइम लगा करोगे ना पता चलेगा, जब चूड़ी चढ़ाने का काम कर रहा वो नेगेटिव जाएंगे, ये रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं। ये वही है सेना में भी सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र के लोग मारे जाते हैं सैनिक, ये कौन सी चीज को छान ले इनका जय नाज हो जाओ फिर पीछे नहीं हटते। ये खिलाड़ी भी मजबूत हैं, कितने गोल्ड मेडल आए इनका, ये आंदोलनकारी भी नहीं है। जो भी समझौता आपकी कमेटी ने करा डीएम साहब और एसएसपी साहब अपना बता देंगे, जो भी कराया जो भी आप तय करके ले आए होंगे ये सब उसी को मान देंगे। सामली मिल का जो राणा ग्रुप है, राणा ग्रुप का पास में पैसे हैं वो देना नहीं चाहता, उसके पास में पैसे हैं। सामने वाले का इलाज हो रहा, ये जो बजाज वाला है इनके साथ 1300 करोड़ रुपए आ गए, डीएम साहब बता देंगे दूसरे साहब उन है गोकर करेंगे बात सबकी करेंगे। अभी प्रशासनिक अधिकारी हैं फिर तो साफ बोल देंगे, ये बता देंगे अपना जो भी तय करा होगा कमेटी ने, हम सब जो भी तय करके ले आए होंगे हम सब उसी को मान लेंगे। एसएसपी साहब और डीएम साहब दोनों डीएम साहब और एक मिनट रुक जाओ, मैं सबकी बात सुन रहा, बैठ दो। किसान यूनियन जिंदाबाद बब्बर।
टिकट। यहाँ पे ये तो आपका थोड़ा भूल सी गई, नहीं तो ये लेट हो जाएगा ना थे। ये अंधेरा होगा ना, रोडवेज की बस भिड़ो हो गया, ये रोडवेज की बसें जागृत थी भाई, मैं छोड़ रहे ये भाई अंधेरा होगा, ट्रैक्टर कैसे जाएंगे, ट्रैक्टर तो यही रहेंगे, रोडवेज की बस में जाते थे, फिर कहूँ ना जाते थे या नहीं। चलो बात सुनो, दोनों हमारे सीनियर अधिकारी यहाँ पे बात सुनेंगे, और जो भी हमारी कमेटी ने जो भी समझौता करा होगा उसको अपना बात आज इस सभा में उपस्थित चौधरी साहब, सभी समाज किसान भाई, हमारी सभी मिलों में से एक मिल है घुड़ाना, आप सब जानते हैं इसका करीब 230 करोड़ बकाया, 160 अभी है, 160 बकाया अभी है, 160 में जो अभी वार्ता चल रही है लगातार, वो बीच में पेमेंट रुक गया था, पेमेंट कर रहा है अभी जो पेंडिंग है, एक मिल का पेंडिंग है, ये पेंडिंग जो है पता है शीघ्रता होने वाली है, आशा करता हूँ कि और जो वार्ता हुई है इसके संबंध में आपका क्लेम भी करना चाहूँगा कि आपकी जो ये पेंडिंग भुगतान है नवंबर 5 तक हो सकता आगे पीछे, नवंबर 5 तक सबसे ज्यादा पेमेंट हो जाएगा इसका, लगभग या तो पूरा हो जाएगा या तो मैक्सिमम पूरा पेमेंट हो जाएगा, आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। एक लिया दूसरा कुछ सेंटर्स के बारे में थी, जो वार्ता हुई कमेटी के साथ, दो सेंटर्स में दो बिंदु है, एक तो कुछ दीपावली खतौली का एक मैटर है जहाँ आगे पीछे होती है जो समस्या है, ये हमारे लेवल से होना मैं तत्काल होना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, और इसको हम और वेडिकल संस्थान करेंगे, अगर मेरे लेवल से नहीं तो मैं प्रस्तावना कर भेजूंगा। दूसरी एक सेंटर से जो कुछ किसान की जो यौवन में जाती उसके संबंध में वार्ता चल रही है, और मेरी तरफ से लेटर भी गया और सारंगपुर से भी जाना है, एंड इसको कोशिश करें इसको भी निस्तारित करें, यही मेरे किसान के संबंध में मामला तो इसमें लगातार लगे, एंड एक कादर की जमीन का मैटर था, कादर की जमीन में गुरकाज वाले एरिया में कुछ बांध टूट गई है, जिसके कारण अभी पानी के संबंध में अभी गेहूँ बोएंगे तो उनका कुछ समस्या थी, वो समस्या अगर 15-20 दिन में निस्तारित हो जाएगा मेरे तरफ से गारंटी, ये जिले तरफ से ना मेरे बाद तो किसान में कादर का बांध टूटा हुआ है, नवंबर 21 तक हमारी गौशाला तय हो रही है, और जो जहाँ जहाँ हमारे पास 300 कैटल कैसे भी एक्स्ट्रा है, और जो भी जहाँ जहाँ बचे उसको सबको गौशाला में जो काम में जो जो कुछ ये भी कमेटी से बात हुई कि कुछ आरक्षण सेंटर जो गांव में बन गए, कुछ आबादी के बगल में है जिसका चाहते कि दूर हो जाए, ये बात सही है कि आबादी के बगल में होगा तो समस्या होगी, तो जहाँ जहाँ नया आरक्षण सेंटर बन रहे हैं, जहाँ ग्राम पंचायत भूमि जहाँ दूर अवेलेबल है क्योंकि पब्लिक की सुविधा थी शिफ्ट कर दी जाएगी जहाँ अभी नए प्रस्ताव है, तो सही बात है आबादी के बगल में वो गंदगी होगा, स्मेल आ गई जाएगा, एक मेन इशू आते हैं लैंड के संबंध में, जहाँ जहाँ ग्राम सब भूमि उपलब्ध है शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट तो नए प्रस्ताव ही टंकी वाले में कुछ जगह पे टंकी का काम शुरू हुआ है, कुछ जगह पे ऐसी है कुछ जो सड़क खो दी है अभी काम कंप्लीट नहीं है,
इसको मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ, और उनके बड़े जो कंपनी के जो हेड है, हम रेगुलरली उनकी डायरेक्टर से बात करते थे। मैं कंपनी हेड को आया था, मैं बोला मैं बात करूँ कंपनी के हेड से बात करूँगा, और उनको समय दिया है अगले एक महीने में डेढ़ महीने में सारे जितना पहले जो गड्ढा जो खोद दिए जो सड़क है पहले वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो उसी गांव में दूसरा काम पिकअप करेंगे, उसके बिना नहीं करेंगे, क्योंकि पहला रोड इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। रोड पहले तैयार होगा उसके बाद नए काम करेंगे, इसको स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और ये इन्होंने एक महीने पहले की बात है, उसके बाद 12 गाँव किया आपके साथ में शेयर भी करूँगा जहाँ तक काम करूँगा। और एक मिनट कुछ गढ़तोली की बात कमेटी ने उठाई थी, गढ़तोली के लिए जीरो टॉलरेंस है, जीरो मतलब जीरो टॉलरेंस, और कोई गढ़तोली करेगा सीधा जेल जाएगा 100 रुपया मार। गढ़तोली जो करेगा देखो ऐसा है, आपने जो कमेटी भेजी थी उसने डिस्कशन अंदर बैठ करके इन सारी बातों पर किया, जिलाधिकारी जी के पास नोट है हर मुद्दे पर जिन्हें आप कह रहे हो, कुछ चीज ऐसी होती है। एक मिनट सुन लो भैया एक मिनट सुन लो, बैठ जा रिचे को, कुछ चीज ऐसी होती है, अरे सुन तो ले बाबा। हाँ जी बता देंगे, मैं सुनो अध्यक्ष जी बता देंगे, कुछ चीज बातों पर बातचीत हुई है, अधिकारी घरी बात जो मीटिंग में करते हैं वो यहाँ पे नहीं कही जाती है। डीएम साहब हमने मेरी अधिकारी में कोई भरोसा नहीं था, डीएम साहब से हमने बात करी है और यही इन्होंने जिम्मेदारी ली है। सुन लो पहले मेरी बात, 5 नवंबर तक का तो भैसाने का पूरा भुगतान कराने डीएम साहब की जिम्मेदारी है, हमने नहीं सुन पाया मामला लिखित में।
सेंटर पर घटतौली नहीं होगी, वो टीम इनकी भी लगाएगी, हमारी भी टीम लगाएगी, यार घटतौली कहीं पाए जाएगी। अब सुन लो भाई, सुन लो, एक मिनट एक मिनट, अब दिलाते हैं बोले, सुन लो भाई। दूसरी बात, कहीं भी एक मिनट भाई, कहीं भी किसान को कोई घोषणा पत्र नहीं भरेगा, सो अपना भरेगा मीर वाले, कोई घोषणा पत्र किसान नहीं भरेगा। बैठा दे, मेरे को क्यों एक फार्म भरा जाता है वो खत्म है। ठीक है भाई, एक बार लो भाई जी, भाई और सुन लो, टीएम साहब ऐसे तो नहीं बात पड़ेगी, आप बैठ जाओ, किसान दिवस होता है, किसान दिवस होता है उसमें लिखित में बस 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 ये बात समझ लिया, तो मीटिंग अधिकारी खड़े हैं, आप तो मीटिंग से बोल लो, एक मीटिंग आप हमारा कोशिश है चकबंदी में, कई बड़े चकबंदी में कोशिश यही है, बहुत सारे ऐसे गाँव है जो 20 साल 25 साल 35 साल पहले खत्म करेंगे, उसके बाद नए गाँव लेंगे। एक पॉलिसी किया है और चकबंदी का शिकायत है, उसका रेगुलरली मॉनिटरिंग भी की जाती है, कोशिश है कि जल्द से खत्म करें। पहले पूरा एनर्जी उसी में लगाए पुराने गाँव में, बाकी जो कुछ शिकायत ये भी मिली थी कि घोषणा पत्र का कुछ लोगों ने अवैध उगाई कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसे करेंगे तो मिल जाए तो FIR होगा सीधा कार्रवाई। शिकायत आई है, ऐसे शिकायत
जांच कराएंगे, अगर सही है तो इसलिए आगे सस्पेंशन भी होती है, कार्रवाई भी होती है। ऐसा कोई केस मिलता है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसलिए जीरो टॉलरेंस है, कोई अवैध दुबाई नहीं होगी। पर्सनली मैं एमडी से भी बात कर रहा हूँ एंड कोशिश ये करेंगे कि जो भी निष्पक्षता से कोई बिजली पकड़ दे चोरी, उधर के जो अगल बगल के दो लोग हैं और पांच लोग हैं जिनसे पंचनामा भरी जाती है, पंचनामा भरी जाएगी, उन्हीं केसेस में आगे कार्रवाई होगी। और जो पंचनामा नहीं भराया जाएगा तो उनके लिए चोरी के संबंध में तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेरे तरफ से रिकमेंडेशन भेजूंगा और कार्रवाई कराऊंगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है, कई किसान दिवस आप उसको करोगे तो उन समस्या का समाधान होगा। एक दिन बिजली और पूर्वाज जब कुछ बात सारी उसमें भी नहीं कही जाती, सारी बात चोरी की रुकती, उन्हें बनता बताऊंगा कुछ। ठीक है, तो बिजली वालों को सारे जो अधिकारी है उनको चार पांच को बुलवा लो, आप दोनों सात आदमी से ज्यादा सरकारी दीजिए और पांच छह आदमी हम होंगे, उन्हें बताऊंगा कि कैसे चलाना काम। इसी जिले में ठेकेदारी ले रखी है, संगठन की मीटिंग होती है, प्रशासनिक अधिकारी के साथ में जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं वो यही पे पंचायत पंचायत वाला उसमें आ जाते हैं, तीन चार अधिकारी आ जाते हैं और दो तीन विभागों को चार को बुलवा लेते हैं, 15-15-20 मिनट देते हैं। तो एजेंसी आप भी बता दे हमारे किसान भाई लोग हैं चौधरी साहब, सभी लोग नमस्कार। आपके लिए भी विषय है, जो भी विषय अभी हम लोग बैठे के लगभग एक घंटे वार्ता हुई है आपकी, ऐसा कोई विषय बड़ा नहीं है, जो कोई वैसा बड़ा विषय नहीं जिसका हमारे पास हल नहीं हो, और उन सभी चीज़ों पर हमें वार्ता हुई, बहुत डिटेल्ड वार्ता है, सभी में पॉजिटिव है, सभी चीज़ों में पॉजिटिव बात है। जो विषय मेरे ख्याल से जितनी लंबी बात करने के बाद मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, आवाज़ नहीं आ रही है हमारी है हाँ जी, तो हमारे ऊपर बहुत आरोप लगे, ये आरोप कभी नहीं लगा, हमारी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तो इस विषय में जितनी बातें हुई इन सब विषय के उपरांत जो भी आप लोगों की समस्या है, इसके अलग भी इसके विषय से इतर भी जो भी समस्या है, डीएम साहब हूँ मैं, हमारे जितने भी नीचे के अधिकारी है, गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर से हम लोग सब टाइम से बैठते हैं अपने ऑफिस में, टाइम से उठते हैं, शाम को भी बैठते हैं, जिसको अगर ऑफिस का काम है ऑफिस, कैंप का काम है कैंप, किसान भाइयों के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, सबके लिए ये पूरे ऑफिस हमेशा खुले हुए हैं। हमारे प्रमोज भी है लोगों के पास, अभी एक शिकायत ये भी आई थी कि हमने काम लोगों का प्रश्न किसी भी तरह का